ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है. हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट 100, 101, 102 अप टू 999 हैव एटलीस्ट वन डिजिट रिपीटेड. क्वेश्चन बड़ा आसान है. हमें सबसे पहली बात तो ये समझना होगा कि एक थ्री डिजिट का नंबर बनाना है और हम ये चाहते हैं उसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट जरूर हो. तो सबसे अच्छा तरीका होगा आप वो केसेस बना लें जब रिपीटेशन अलाउड है, और उनमें से अगर आप वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दें जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो आपके पास डिजायर्ड आंसर आ जाएगा. बिकॉज जब हम रिपीटेशन अलाउ करते हैं तब सारे केसेस शामिल होते हैं जिनमें रिपीटेशन नॉट अलाउड भी है और रिपीटेशन अलाउड भी है. तो अगर हम सबसे पहले रिपीटेशन अलाउड का केस लेते हैं तो फर्स्ट पोजिशन को फिल करने के हमारे पास में 9 वेज होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जीरो को प्लेस नहीं करते. अदरवाइज ये थ्री डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, इट विल बिकम अ टू डिजिट नंबर. सेकेंड पोजिशन को फिल करने के लिए देर आर 10 वेज. जो डिजिट फर्स्ट पोजिशन पे जा चुकी है वो भी यहाँ आ सकती है और जीरो भी. एंड सिमिलरली इस पोजिशन को फिल करने के देर आर 10 वेज. तो ये तो वो केस हो गया जब रिपीटेशन अलाउड है. तो ऐसे टोटल 900 केसेस हो गए. रिपीटेशन नॉट अलाउड दैट मीन्स एक डिजिट एक नंबर में सिर्फ एक ही बार यूज हो सकती है. तो फर्स्ट पोजिशन को फिल करने के लिए हमारे पास 9 वेज है. वॉट अबाउट द सेकेंड पोजिशन? नाउ यहाँ पर जो डिजिट फर्स्ट पोजिशन पे जा चुकी है वो नहीं आ सकती, बाकी कोई भी डिजिट आ सकती है इंक्लूडिंग जीरो. तो टोटल 10 में से अगर एक डिजिट यहाँ वाली हम हटा दें तो विल गेट 9. एंड वॉट अबाउट दिस पोजिशन? क्योंकि यहाँ पे टू डिजिट्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, वी कैन फिल द फाइनल पोजिशन बाय द रिमेनिंग 8 डिजिट्स. मल्टीप्लाई करते हैं, 81 × 8 ये हो गया है हमारा 648. और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 242 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आप इसको एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं.